टाइगर वाली एड को देखकर कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। किसे? अरे पारसी लोगों को भाई, दिख रहा पारसी लोग, उनका कहना है हम साला 1399 बचा है, हम हमारे लिए तो आज तक किसी ने कोई नहीं एड बनाया। मौसी, सेव द पारसीज। इट्स लाइक द प्रेसिडेंशियल अपील कि प्रतिभा मौसी, सेव द पारसी। इस कैंपेन को एक सेलफोन कंपनी ने बनाया है। ये सेलफोन कंपनीज को हो क्या गया है? मतलब एक कंपनी कहती है पेड़ बचाओ, दूसरी कहती है शेर बचाओ। मतलब सब लोग आत्मा की ही आवाज सुनेंगे तो फोन पर बात कौन करेगा? हाँ, वैसे आत्मा की आवाज ही बेटर है, फोन पे तो नेटवर्क का लोचा है, आवाज कहां से आएगी भाई। बीजेपी की नेशनल मीट के लिए इंदौर के बाहर करोड़ों का खर्चा करके एक गांव के लुक एंड फील वाला एरिया बनाया गया। वैसे पूरा गांव बनाने की क्या जरूरत थी? आजकल बीजेपी जिस हालत में है, सिर्फ एक कुआं ही काफी था। वैसे बीजेपी ने सेट तो गांव जैसा लगाया, लेकिन हर बड़े नेते के टेंट में एयर कंडीशनर, प्लाज्मा टीवी भी दे दिया। मतलब कि लोग शादी के बाद हनीमून मनाते हैं, बीजेपी चुनाव हारने के बाद मना रही है। लेकिन खबर है कि इतने हाई सोसाइटी अरेंजमेंट के बाद भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने पास के होटल्स में रहना पसंद किया। उनका कहना था टेंट तक पहुंचेंगे कैसे, लिफ्ट नहीं है यहां पे। सुषमा स्वराज भी 2 दिन टेंट में रुकने के बाद मच्छरों का बहाना करके होटल में रहने चली गई। ये बात और है कि बाद में उन्हें पता चला कि वो मच्छर नहीं थे, अरुण जेटली थे। टाइगर वुड्स ने फाइनली एक पब्लिक अपीयरेंस दिया और कहा कि मैंने चीट किया है, मेरे अफेयर्स हुए हैं। और लोगों ने कहा हट, ऐसे कैसे मान ले, करके दिखाओ ना प्लीज। वुड्स ने यह भी कहा कि वो बहुत शर्मिंदा है और उन्होंने बहुतों को दुख दिया है, सारी लड़कियों ने स्पेशली कहा है दुख नहीं मीठा दुख। वुड्स ने मीडिया से अपील भी की है कि वो उनकी बीवी से दूर रहें और मीडिया ने कहा हम क्या तुम्हारी तरफ पिटना चाहते हैं जो तुम्हारी खूंखार बीवी के पास जाएंगे। और जब सेक्स की बात निकली है तो बता दूं कि ब्रिटेन के सबसे बड़े सेक्स एडिक्ट नौजवान डैनी जेम्स को अपना शहर बदलना पड़ा, क्योंकि उस शहर में वो हर लड़की के साथ सो चुके थे। एनडी तिवारी ने उसे फोन करके कहा हैदराबाद आ जाओ। चिली के नए मिंट हुए करेंसी नोट्स में उन्हें अपने ही देश के स्पेलिंग गलत लिखे हुए मिले। इस पर शिवसेना ने एक बार फिर कहा शाहरुख खान गद्दार है। सलमान खान ने मुंबई की पहली साइक्लोथॉन, जिसका मतलब थन वाली साइकिल नहीं, साइकिल की मैराथन है, हाँ, तो साइक्लोथन का उद्घाटन किया। ये बात और है कि इस इवेंट में भी सलमान घोड़े पर बैठकर आए थे। वैसे ये अच्छा है, सलमान खान को साइकिल ही चलानी चाहिए, ये कम से कम रोड पर किसी को खतरा तो नहीं होगा। ये सुनिए, हल्दीराम भुजिया के ओनर को एक मर्डर केस में जेल हो गई। बॉस, पान वाले के बारे में सुना था, अब भुजिया वाले भी सुपारी देने लगे क्या? गुजरात की पटोला साड़ी को प्रमोट करने के लिए रेखा जी एक फैशन शो में रैंप पर चली और फैशन शो देखने आए यंगस्टर्स ने एक दूसरे से पूछा आंटी श्रीदेवी छे ने, आगे जा श्रीदेवी आंटी जी, आज गाड़ियों को जा बोनी कपूर छे के, ओ मोदी छे, सॉरी। पर अच्छा है गुजरात में बीजेपी के लक्ष्मण यानी कि मोदी जी तो पहले से ही थे, अब रेखा भी हो गई। अब गुजरात की लक्ष्मण रेखा के बाहर बीजेपी को सिर्फ कोई साधु रूपी रावण ही निकाल सकता है। वैसे आपने ध्यान दिया, अभी थोड़े दिन पहले ही बिग बी गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने और अब रेखा जी वहां की पटोला साड़ी को प्रमोट कर रही हैं। कौन कहता है कि प्यार सिर्फ पंजाब के सरसों के खेतों में होता है, गुजरात में भी ये सिलसिला चल सकता है। अभी बाकी है भूतनाथ और सविता भाभी,
और एक फतवा फेसबुक के खिलाफ। तब तक बजाओ।